गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देख लेते हैं क्या है आज सबके लिए एंजल गाइडेंस। कार्ड्स निकालते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। ओके, ये रीडिंग क्या, हर रीडिंग जनरल रीडिंग होती है मेरी। ओके, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है आखिर एंजल गाइडेंस आप सबके लिए। ओके, यस नो सेशन भी करेंगे। आप अपने मन में कोई प्रश्न पूछना, ठीक है, और उसके बाद से हम जो भी होगा वो निकालेंगे, ठीक है। यस नो सेशन में, यस नो सेशन में अपने मन में प्रश्न पूछा जाता है और आपके प्रश्न का आंसर मिलता है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ एरियल, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपने जो इतनी मेहनत की है, वो जो है मेहनत अब रंग लाने वाली है। यानी कि जो आपको हार्ड वर्क आपने किया था सक्सेस पाने के लिए, वो आपको सक्सेस में डिले हो रहा था, तो अब जो है ना, अब आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है। और ये भी देख रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी आपको सक्सेस ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपके अंदर बहुत अच्छी पावर है। आप एक हीलर हो और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी है ना, अब आ रही है। यानी कि कदम उन्होंने रख दिया है आपकी लाइफ में और अब जो है आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल होने से, क्योंकि आपने बहुत बहुत मेहनत की है। बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी होंगी आपने अपने करियर, अपने जॉब में, जो भी है आपका, अपने लव लाइफ में भी आपका ठीक यही हाल रहा होगा। तो दिख रहा है कि अब जो है ना, आपके जो भी सपने थे, लव के रिगार्डिंग थे या फिर करियर के रिगार्डिंग थे, आपके जो है सपने पूरे होने वाले हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, सपने पूरे होने वाले हैं आपके। चलिए और देख लेते हैं, नाइन ऑफ राफेल, मेक अ विश। चलिए पहले पूरे कार्ड्स हम देखते हैं। स्ट्रेंथ, यहाँ पे है द वर्ल्ड, वाओ, फोर ऑफ गैब्रियल एंड मेरे पास एट ऑफ गैब्रियल। बहुत ही खूबसूरत से कार्ड आए हैं आज, बहुत ज्यादा खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है कार्ड में, यही कार्ड बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम से आपके तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए, तो एक ये गुड न्यूज है। दूसरी कि आपको एक विश मांगनी है, ठीक है, अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग हो या फिर अपने करियर के रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग हो, कुछ भी आपका जो भी सपना है, आपको विश मांगनी है। विश मांगने के लिए कहा जा रहा है, तो आप विश मांग सकते हो, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि विश मांगने के लिए कहा जा रहा है आपको, और ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए जो कि है आपके अंदर, ठीक। तो आपके अंदर जो है ना, वो पावर है, और उस पावर को पहचानो, उस पावर को जानो, उसके बाद से ही आपकी लाइफ में ग्रोथ मुझे आते हुए दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ग्रोथ है और बहुत अच्छी ग्रोथ है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग, अगर मैं बताऊं तो लव लाइफ के रिगार्डिंग भी आप काफी मुश्किलें, परेशानियां झेल रहे थे, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लव लाइफ में भी। तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसको बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, उसको बहुत ही पावर के साथ आप थोड़ा सा उसको डील करो, ठीक, क्योंकि स्ट्रेंथ रहेगी, पावर रहेगी, तब जाके आप आगे भी कुछ कर पाओगे, वरना फिर जो है ना प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसी के अनुसार से आपको थोड़ा बहुत जो है ना अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, अपने अंदर पावर रखनी चाहिए, और तब जाके जो है ना यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है और आप हो, ठीक है, तो दोनों का सपना जो भी रहा है वो फुलफिल होने वाला है, यहाँ पे ये है। और साथ ही साथ यहाँ पे आज जो है करियर और लव दोनों के लिए कार्ड आए हैं, इसलिए मैं दोनों को लेकर के चल रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो, जो भी मुश्किल वक्त था, फिर द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है ना,
तो जो भी मुश्किल वक्त था वो मुश्किल वक्त जो है ना वो खत्म होने वाला है। फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि वो मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा और वो मुश्किल वक्त जो है ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। यानी कि आपने मुश्किल वक्त तो निकाल लिया ठीक, लेकिन अब जो है ये जो नया साइकिल है वो आ रहा है आपकी लाइफ में। देखना न्यू मून स्टार्ट होगा ना, उस वक्त से आपकी जिंदगी में और ज्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अभी से नोट करके रखना कि हाँ अभी क्या है आपकी लाइफ और न्यू मून में क्या होने लगती है ठीक है। तो यहाँ से देखना पॉजिटिविटी आने लगेगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस आने लगेगा आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें आने लगेंगी ठीक है, जो कि मुझे नजर आ रही है। ओके, बात करते हैं अदर कार्ड की। तो अदर कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको मैरिज का प्रपोजल तक मिल सकता है, आपको अपने पार्टनर से मैरिज का प्रपोजल तक मिल सकता है। क्योंकि मैरिज का प्रपोजल मुझे बता रहा है कि अगर आपने यही सोचा है, अगर आपकी मैरिज सबसे पहले नहीं हो रही है तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है आने वाले कुछ समय में, आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी ठीक है। और ये भी दिख रहा है जैसे कि मैरिज फिक्स हो जाने के बाद से भी दिख रहा है कि एट ऑफ गैब्रियल का भी कार्ड है और फोर ऑफ गैब्रियल भी है। तो आपकी लाइफ में जो बर्डन था, जो प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन है वो खत्म होगी। जो बर्डन, जो परेशानी आपने झेली है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है और खत्म होकर आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ पूरी तरीके से जो है ना बदलने वाली है ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और आपके पार्टनर से आपकी बात भी होने वाली है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बात भी होने वाली है। अगर आप बात करना चाहते हो, बात करने वाले हो या बात करने के बारे में सोच रहे थे और आपके पार्टनर आपके तरफ जो है ना यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो अब दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे बात करने वाले हैं, इनसे जो है ना आपकी बातें होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बातें स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत जल्दी जो है ना यहाँ पे बातें होंगी आपकी इनसे ठीक है। तो आपके लव वन का कॉल मैसेज आ सकता है। आप लोग कुछ लोग हैं जो कि ट्रैवल करने जा सकते हैं, ट्रैवल भी मुझे नजर आ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ आप लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज है। चलिए अब बात करते हैं यस नो सेशन की, यानी कि अपने मन में कोई एक प्रश्न पूछना है, कोई एक सवाल, उसका मिलेगा एंजल से जवाब ठीक। चलिए प्रश्न पूछिए अपने मन में। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, सॉरी मैंने दो कार्ड पता नहीं क्यों निकाल दिए, पता नहीं कैसे निकल गए माइंड ही। चलिए लगता है कुछ एंजल्स मैसेज देना चाहती हैं आपको, तो दो कार्ड्स निकल गए हैं। चलिए देख लेते हैं, आपने मन में प्रश्न पूछ लिया है ना। चलिए अब हम देखते हैं, इन द नियर फ्यूचर होगा लेकिन आने वाले समय में होगा। आपका जो भी प्रश्न है वो यस ही है लेकिन आने वाले फ्यूचर में होगा। शांत रहो, शांत रह करके मतलब पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। होगा, आपने जो प्रश्न पूछा है ना वो यस ही है लेकिन अभी नहीं होगा ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में है, ये मुझे ये दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा ठीक। तो ये एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रुको, रुक जाओ। आज जो है ब्रेसलेट पे ऑफर है आज भर। ऑफर ये है कि कोई भी तीन ब्रेसलेट आप बाय करेंगे तो एक रीडिंग, एक क्वेश्चन की रीडिंग आपको फ्री मिलेगी ठीक है। तो जिनको भी लेना है वो लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye-bye.